पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे तेज गेंदबाज की जिसकी बीवी ने इन पे ऐसे हैरत अंगेज इल्जाम लगाए कि सुपरस्टार क्रिकेटर क्रिकेट की दुनिया से जरा नदारद सा नजर आता है। रखता था और उसी में गंदी गंदी चैटिंग करता था, कौन से नंबर से, कौन से आईडी से करता था, ये सिर्फ 10% चैटिंग है, वल्गर वल्गर चैटिंग, ठीक है। जन्म हुआ मोहम्मद शमी का 9 मार्च सन 1990 में। बंगाली डोमेस्टिक क्रिकेट का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हालांकि शमी रहने वाले हैं सहसपुर गांव अमरोहा के, राज्य उत्तर प्रदेश, वही अमरोहा जहां से कमाल अमरोही भी आते हैं, जहां की बहू मीना कुमारी हैं। इनके पिता तौसीफ अली एक किसान जो खुद अपनी जवानी के दिनों में बड़े तेज गेंदबाज माने जाते थे। शमी की एक बहन है और 3 भाई। तीनों भाई फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन शमी के पास एक अलग ही हुनर रहा। बद्रुद्दीन सिद्दीकी, मुरादाबाद के क्रिकेट कोच, उन्होंने शमी का यह हुनर पहचान लिया और 15 साल के इस बच्चे से खूब मेहनत करवाई। लेकिन कुछ वजूहात रही और शमी अंडर-19 टीम में सिलेक्ट ना हो पाए। फिर इन्हें भेजा गया कोलकाता। डलहौजी एथलेटिक क्लब के लिए शमी खेलते रहे। इनका कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 75,000 रुपए का था और ये काम इन्हें दिया था देवव्रत दास ने। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि शमी पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू करेंगे और पहले मैच में 4 मेडन ओवर फेंक देंगे। शमी धीरे धीरे पहुंचे मोहन बगान क्लब, वहां पे सौरभ गांगुली को इन्होंने बॉलिंग करी। नेट्स में सौरभ गांगुली समझ गए कि शमी एक स्पेशल टैलेंट है। बस फिर तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए बंगाल रांची स्क्वाड में। डोमेस्टिक क्रिकेट चालू हुआ, फिर हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर शुरू। धीरे धीरे वनडे और टेस्ट मैच में भी शमी ने अपना काम कर दिखाया। शमी की शादी हो गई हसीन जहां से, जो कि एक चीयर लीडर थी। आईपीएल के मैचेस के दौरान शमी और हसीन जहां के बीच नजदीकियां बढ़ी। वो और बात रही कि हसीन जहां पहले एक बार शादी कर चुकी थी शेख सैफुद्दीन से। उस शादी से हसीन जहां की 2 बच्चियां भी हो गई थी, पर तलाक हो जाने के बाद हसीन जहां अपना एक नया रास्ता इख्तियार कर रही थी और इसी रास्ते पर क्रिकेट पिच के मोहम्मद शमी मिल गए। प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी हुई, बच्ची हुई और उसके बाद लगा डर। 9 मार्च 2018 को इनकी बीवी हसीन जहां ने इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। बताया कि शमी के नाजायज संबंध है दूसरी औरतों से और इनके ऊपर काफी अत्याचार करता रहा है। ये इतने इल्जाम लगाया कि मोहम्मद शमी क्रिकेटिंग दुनिया से दूर हो गए। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के जहां को हसीन बनाने की कोशिश की और फिर ऐसा वक्त भी आया जब ये उभरता हुआ क्रिकेटर हसीन जहां की तमन्ना लिए इस जहां में गमगीन हो गया। सच्चा कौन कि झूठा कौन, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, पर मोहम्मद शमी ने अपनी बॉलिंग से कमाल कर दिखाया। शमी दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में जल्दी से जल्दी 50 विकेट ले लिए। अब ये हिट विकेट हुए हैं या फिर इनकी यॉर्कर कमाल दिखाएगी, ये सवाल सबके मन में रहेगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।